निर्गमन। इसराइली लोग मिस्र से निकल के बहुत खुश रहले, उ अब गुलाम ना रहले और उ वादा के देश में जात रहले। जेवन कुछ उ इसराइली लोग मंगले, मिस्री लोग ओ लोगन के सब कुछ दिहले। यहाँ तक ले कि सोना और चांदी और बहुत कीमती सामान दिहले। दूसरी देश का कुछ लोग परमेश्वर पर विश्वास कैले और जब इसराइली लोग मिस्र से निकलले त उ लोग भी साथ में हो गईले। दिन के बीच बादल का एगो विशाल खंभा उ लोगन के आगे आगे चले और रात के समय में ई आग का खंभा बन गईल। परमेश्वर जेवन की ओ बादल के खंभा में और आग के खंभा में रहले, हमेशा उ लोगन के साथ रहले और उ लोगन के रास्ता जाए में अगुवाई कैले। उ लोगन के बस इतने करे के रहे कि उनकरी पीछे चले के रहे। थोड़ी समय के बाद फिरौन और उनकर लोग अपनी मन के बदल लिहले। उ लोग फिर से इसराइली लोग के अपन गुलाम बनावल चाहत रहले। यही से उ लोग इसराइली लोगन के पीछा कैले। ई परमेश्वर ही रहले कि उ लोगन के मन के बदलले। उ ऐसन एक खातिर कैले कि काहे से कि उ चाहत रहले कि सब केहू ई जान जा कि फिरौन से और मिस्री लोग की देवतन से हम यहोवा बहुत शक्तिशाली बानी। जब इसराइली लोग मिस्र की सेना के आवत देखले त उ लोगन के ई मालूम भइल कि हमनी का फिरौन की सेना और लाल समुंदर के बीच में फंस गईनी जा। उ लोग बहुत डरा गईले और रोवे लगले, हमनी का मिस्र के काहे के छोड़ देनी ह जा, हमनी का मुए वाला बानी जा। मूसा इसराइली लोग से कहले कि डेराइल बंद करा जा, परमेश्वर आज तोहन लोग खातिर लड़ी हैं और तोहन लोग के बचाई हैं। तब परमेश्वर मूसा से कहले ये लोग से लाल समुंदर की ओर चले के कहा। तब परमेश्वर ओ बादल का खंभा के लेके इसराइलियन और मिस्री लोग के बीच में रख दिहले, ताकि मिस्री लोग इसराइली लोग के देख ना पाई। परमेश्वर मूसा से समुद्र पर अपन हाथ बढ़ावे के कहले। फिर परमेश्वर हवा से समुद्र के पानी के बाई और दाई ओर करा दिहले, जवना से कि समुद्र से होके एगो रास्ता बन गई। इसराइली लोग अपनी दोनों तरफ पानी का देवाल के साथ सूखल जमीन पर समुद्र से होके बढ़ गईले। तब परमेश्वर वो रास्ता से बदरी के हटा लिहले, ताकि मिस्री लोग इसराइली लोग के बच के जात को देखना जा। मिस्री लोग उ लोग के पकड़े के खातिर निर्णय लिहले। तब उ लोग समुंदर के माध्यम से वो रास्ता से इसराइली लोग के पीछा कैले, लेकिन परमेश्वर मिस्री लोग के घबरा दिहले और उ लोग के रथ के अटका लिहले। उ लोग चिल्लाए लगले, भागा, इसराइली लोग की ओर से परमेश्वर लड़त बाड़े। कुल इसराइली लोग समुंदर की दूसरी ओर पहुँच गईले। तब परमेश्वर मूसा से कहले कि तू फिर से पानी पर हाथ बढ़ाव। जब मूसा ऐसन कैले त पानी मिस्री सेना लोग पर आ गईल और अपनी समान रूप में हो गईल। कुल मिस्री सिपाही डूब गईले। जब इसराइली लोग देखले कि मिस्री लोग मर गईले, त
तब उ लोग परमेश्वर पर विश्वास कैले। उ लोग विश्वास कैले कि मूसा परमेश्वर की ओर इसे भविष्यता बाड़े। इसराइली लोग यही से बहुते खुश रहले, काहे से कि परमेश्वर उ लोग के मरला से और गुलाम होखला से बचा लिहले रहले। अब उ परमेश्वर का आराधना करे और उनकर आज्ञा का पालन करे खातिर आजाद रहले। यही से इसराइली लोग अपनी आज़ादी के खुशी मनावे खातिर और परमेश्वर का महिमा करे खातिर कई गो गाना के गईले। काहे से कि उ लोग के मिस्री सेना लोग से बचावले रहले। परमेश्वर इसराइली लोग के हर बरिस एगो त्योहार मनावे के आदेश दिहले, ई याद करे खातिर कि कैसे परमेश्वर मिस्री लोग के हरावले और उ लोग के गुलामी होखला से आजाद कैले। ई फसा त्योहार कहाइल। एमे उ लोग के एकर त्योहार मनावे खातिर एगो बड़ियार जानवर का बच्चा के बलि करे के रहे, ओके भूजे के रहे और ओके बिना खमीर वाली रोटी के संगे खाए के रहे। निर्गमन अध्याय 12 का 33 से 15 का 21 से एगो बाइबिल का खिस्सा